एक और बड़ी खबर जो इसी हादसे से जुड़ी हुई यहां पर मिल रही है वो आपको बता दें, ट्रेन हादसे पर कई देशों ने भी दुख जाहिर किया है। नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने दुख जाहिर किया है। यूएनजी अध्यक्ष ने भी जो घटना हुई है उस पर दुख जाहिर किया है और भारत को हर संभव मदद दी जाएगी इस बात का भरोसा दिलाया है। पीड़ितों के प्रति भी संवेदना व्यक्त तमाम देशों की तरफ से भी की गई है। तो यहीं ताइवान के राष्ट्रपति ने भी दुख जाहिर किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मौके पर मौजूद है, वो खुद वहां पर जायजा ले रहे हैं। कैसे अब जो लोग प्रभावित हैं उन तक सहायता पहुंचाई जानी है, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी ओर से भी क्या कुछ कहा गया है सुनवाते हैं आपको। कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा गया कि अब हर संभव मदद देना जिम्मेदारी है और ये सुनिश्चित यहां से किया जा रहा है कि कोई भी लापरवाही, कोई चूक अब यहां पर ना हो जाए। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे, तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे। अब आप देखिए इतना दुखद ये हादसा है कि जो बाकी देश है वो भी इस संकट की घड़ी में भारत के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये तीन आपस में ट्रेन की टक्कर हो जाना, अब जो शव भी वहां से एक के बाद एक निकल रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी मृतकों की संख्या इसीलिए बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी कई बोगियां हैं जो एक दूसरे के ऊपर है। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, NDRF, SDRF और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है, टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है। और देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त बुरी तरीके से जख्मी है। ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर उनको भी इलाज में कैसे पूरी तरीके से मदद की जाए, उनको इलाज में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें, दर्दनाक रेल हादसा जब हुआ है तो अब जो बाकी ट्रेन्स के रूट हैं वो भी बदल दिए गए हैं। बहुत दुखद यह हादसा है, मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जो मौके से तस्वीरें वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब उन तस्वीरों को देख के जो ट्रेन पहले चल रही थी, जो लोग सफर पर निकले थे, अब सब कुछ वहां पर तहस नहस हो चुका है, अब सब कुछ वहां पर बिखर चुका है। कितने लोगों की जिंदगी यहां पर जा चुकी है। वो लोग जो इस सफर पर निकले थे जानते नहीं थे कि आखिरी मौका होगा, आखिरी सफर होगा, लेकिन सब कुछ उसके बाद खत्म हो जाता है। मौके पर भारी भीड़ भी है, रेस्क्यू इस वक्त वहां पर चल रहा है, आर्मी की भी यहां पर मदद जरूर ली जा रही है। रेस्क्यू इस वक्त इतनी तेजी से चलाया जा रहा है क्योंकि केंद्र की तरफ से भी खुद जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर मौजूद है तो कोई भी अब देरी ना हो सके, जितने ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है यह कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समय और निकलता है जो लोग जख्मी हो सकता है कि उनकी हालत भी और ज्यादा खराब हो जाए, इसीलिए खुद वहां पर मौके पर रेल मंत्री मौजूद हैं। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब बहुत तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। अलग अलग तस्वीरें भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखेंगे कि रेस्क्यू कैसे वहां पर चलाया जा रहा है वहां पर, क्योंकि अभी स्थिति यह है कि कई सारी जो बोगियां हैं वो एक के ऊपर एक है, उनको भी हटाया जा रहा है, उनके नीचे में लोग दबे हुए होंगे इस बात की आशंका, और ऐसा हो भी रहा है। जब वहां से हटाया जा रहा है, मलबा भी चूंकि वहां पर है, जब हटाया जा रहा है तो वहां से लोग भी निकल रहे हैं, कुछ लोग जिंदा है, कुछ शव वहां से बरामद हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए एक तस्वीर में आपको यह भी दिखेगा, वो हमने सुनवाया भी आपको, रेल मंत्री इस वक्त मौके पर मौजूद है। भीड़ वहां पर इसीलिए है क्योंकि रेस्क्यू में जो संभव मदद वहां पर ली जा सकती है वो इस वक्त ली जा रही है और यहां पर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और इस स्लीपर बस का हालत अब देखिए, हालत अब देखिए, देखते रहिए। जो ये अभी भी NDRF के जो अधिकारी है वो आलोक S1 कमरा में अभी भी तलाशी जारी रखा है। मैं थोड़ा उसको उसका आपको
जगह दिखाऊंगा, उसका सिचुएशन थोड़ा दिखाऊंगा कैसा हालत है उसका। देखिए एकदम जो सीट बगड़ा जो है तो ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, कौन सा बार्थ कौन सा है वो पता नहीं है। इधर एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है, एक आधार कार्ड देखिए, इसका नाम है रहमान लश्कर, ये बंगाल का साउथ 24 परगना का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड ये S1 कंपार्टमेंट में 55 बार्थ नंबर 55 में ये रहे। और अब बार्थ थोड़ा देखिए, बार्थ का कैसा हालत हो गया। अब इधर जो जनाल जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। और इधर देखिए ये जो हादसा हुआ है वो 7 से 7:30 के बीच हुआ है शाम को। और देखिए अब खाने का पैकेट वो भी पूरा का पूरा मौजूद है। लगता है जो रात को डिनर करने के लिए ये लोग जो खाना मंगाया था वो खाना भी उन लोगों का नसीब नहीं हुआ। थोड़ा और भी अंदर आ जाए, अगर आ जाए तो देखिए इधर खड़ा होने की जगह भी नहीं है और इधर नीचे ब्लड शेड भी है। तो अब देखिए लगेज है और अंदर ऊपर का जो रूफ टॉप है वो फ्लोर भी फाड़ के नीचे चला आया और सीट वगैरह जो है ऊपर का नीचे का ऊपर चला गया। अर्थात आप सोच सकते हैं कि कैसे भयावह था ये हादसा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत दर्दनाक बहुत खतरनाक ये हादसा है। ऐसे में सूबे के मुखिया खुद इस वक्त हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरूर यहां से सुनिश्चित इस बात को भी किया जाएगा कि अब जो लोग वहां पर जख्मी है कैसे उन्हें तुरंत यहां से रेस्क्यू किया जाए, उन्हें यहां पर जो सुविधा है चिकित्सकीय वो कैसे मुहैया कराई जाए और हालात इस वक्त वहां पर बने कैसे हुए हैं, ये पूरा हादसा कैसे हुआ, लापरवाही जिसकी रही होगी वो जरूर जांच के बाद सामने आएगा। इस पूरे मामले की जांच भी होगी, उस पर भी कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए एक तरफ हमने आपको दिखाया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस वक्त मौके पर मौजूद है, अब ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं रेस्क्यू में। इसके बाद जरूर और तेजी आएगी ये सुनिश्चित उनकी तरफ से किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, लोगों को बचाने की जद्दोजहद इस वक्त वहां पर चल रही है, रेस्क्यू टीमें पूरी तरीके से जुटी हुई हैं और अब बस कोशिश यही है कि जितने लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है उतने लोगों को यहां से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाए, जो जख्मी है उन्हें अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। इससे पहले रेल मंत्री को भी आपने सुना जिनकी तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई कि कैसे इस वक्त वहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, बालासोर जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं नवीन पटनायक और रेल मंत्री पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। बड़ा हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, दर्दनाक ये हादसा है और ये खबर जो भी सुन रहा होगा जो भी देख रहा होगा इस वक्त ये किसी को भी झकझोर देने वाली खबर है। पारादीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप क्या इस वक्त तस्वीर देख पा रहे हैं, चूंकि सूबे के मुखिया भी वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या आपको आवाज मिल रही है? सॉरी फिर से एक बार बताइए। इस वक्त वहां पर मौके पर क्या तस्वीरें हैं जरा दर्शकों को दिखाइए, कैसे रेस्क्यू इस वक्त वहां पर चलाया जा रहा है। देखिए मैं पहले भी आपको दिखा रहा था जो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, मैं आपको अभी दूसरा एक पोजीशन में आपको ले आया जिधर स्लीपर क्लास और एक स्लीपर क्लास उसका स्लीपर क्लास में देखिए अभी तक अब उसको पता है ये स्लीपर क्लास उसमें गर्मी के दिन पंखा चलता है। अभी भी ट्रेन में अभी कोई नहीं है, इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन ये पंखा अगर जान देता है, ये पंखा बोलती है जे ये ट्रेन में कितने लाइफ थी वही अगर बताती है। मैं आपको पीछे भी दिखाऊंगा, इधर देखिए जो स्लीपर क्लास का जो है उसके बगल में चोटी वगैरह ये सब पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाऊंगा, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। हम लोग लोगों को बाहर निकालना, लेकिन दुख की बात है
थोड़ा मैं मेरा कैमरा पर्सन जो है उसको थोड़ा इधर आने बताऊंगा आने के लिए। देखिए किसी ने बैंक का जो बुक है पासबुक वो लेके आया था। उसका नाम है गफर अली। ये भतार वर्धमान जिले के रहने वाले है। इसका डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। अभी देखिए इधर और एक पासबुक ये भी पड़ा हुआ है। इधर हम लोग जानते हैं जब ट्रेन में लोग जर्नी करता है तो जर्नी करने के टाइम में ये लोग खाना लेके घूमता है। तो ये देखिए चनाचूर का एक पैकेट, ये पूरा का पूरा सील हुआ हुआ है। अर्थात शाम इन लोगों का सोच था लंबा जर्नी है, जाते जाते कभी भी मूढ़ी या चनाचूर ऐसा कुछ खाना है उन लोगों को, लेकिन वो मौका नहीं मिला क्योंकि उसके आगे जो हादसा हो गया। वो हादसे में आपको पता है ये इतने अभी तक उसका सही आंकड़ा हम लोग को नहीं मिला। 230 235 ऐसे बढ़ता ही जा रहा है जो मौत का आंकड़ा, और इंजर्ड पर्सन का तो 1000 से आगे चला गया। मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा इधर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए आप बड़ा बड़ा क्रेन लाया गया और ये क्रेन के माध्यम में जो रेलवे का जो पार्ट्स है, रेलवे का जो इक्विपमेंट्स है वो हटाकर उधर से अगर कुछ अटक हुआ है कि नहीं वो दिखा जा रहा है। अब देखिए मैं मेरा कैमरा पर्सन को बताऊंगा, ये जो सबुज वाला कमरा जो है शालीमार चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास का है, उसमें एक साड़ी उधर लटक रहा है। वो थोड़ा कंचन को मैं बताऊंगा, कंचन अगर ये वो जो साड़ी वो दज्जा में एकदम साइड में वो वाला अगर पकड़ा जाए तो अगर ये सब चीज़ जो दिखा जा रहा है यही सब नमूना है, यही सब इंस्टेंस है कि कैसे बड़ा हादसा अभी देश ने देखा है, देश ने सखी रहा है। जो मैं हम लोग अभी रेल मिनिस्टर जो है ऑनरेबल रेल मिनिस्टर उनसे बात किया था हम लोग, ऑनरेबल रेल मिनिस्टर जी ने जो बताया जो अभी किस वजह से ये हादसा हुआ है उसके बारे में अभी पता नहीं है। उसका तहकीकात चलेगा, उसके लिए कमीशन बिल्डअप करना है, लेकिन सबसे पहले जो करना है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन। और सबसे रेस्क्यू ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग जो पैसेंजर लोग जो है अभी तक अंदर है उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। अभी जो हम लोगों को जो है NPDR उसका आदमी लोग मिलिट्री आर्मी उन लोगों ने भी बता रहा था जी अभी तक चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी भी दो चार लोग फंसे हुए हैं। तो मैं आपको पहली जो लाइव दिखा रहा था उस लाइव में मैं आपको दिखा रहा था जे एक डेड बॉडी सब निकल के लेके गया। तो ऐसे ही चल रहा है। और मैं आपको इधर थोड़ा ये चीज़ बोल देती है जो रेल हादसे में क्या होती है क्या नहीं होती है। देखिए ये जो यूटेंसिल का थाला, यूटेंसिल के जो बासन ये लेके आया रात में, ये नाइट लॉन्ग लाइट नाइट जर्नी है तो रात में अगर खाना खाने के लिए थोड़ा ये लोग यूटेंसिल ये सब लाके इधर लाया था। मैं आपको बोल रहा था ये देखिए एक किसी ने डायरी लेके आया रात में ट्रेन में, अगर टाइम नहीं काटता है तो सब कुछ लोग डायरी लिखता है। तो ये ऐसे पड़ा हुआ है, इधर थोड़ा फ्रूट्स वगैरह पड़ा हुआ है। आप जानते हैं जो आम बंगाल में आम बड़ा मशहूर है यार, जब ट्रेन जर्नी करना है तो आम अगर नहीं खाया तो कुछ भी आप ट्रेन जर्नी का मज़ा ही नहीं है। वो ऐसे आम भी कुछ लोग लेके आए थे लेकिन वो खाना उन लोगों का नसीब नहीं हुआ क्योंकि 7:30 बजे के बीच ये जो हादसा हुआ है उसके बाद ही सब डिनर करने का प्लान था सब पैसेंजर लोगों का, तो वो डिनर उन लोगों का नसीब नहीं हुआ। मैं अभी दिखाऊंगा जो देखिए उधर क्रेन के माध्यम में वो उधर थोड़ा पब्लिक जो लोग जो है वो लोग थोड़ा शोर मचा रहा है क्योंकि बहुत देर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए ट्रेन के अंदर घुस के जनरल पब्लिक जो है लौटेंगे आपके पास, लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर कैसे आप इस पूरे हादसे को देख रहे हैं, आप यहां से कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया? कल शाम को एक अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, हादसा हुआ है। एक गुड्स ट्रेन और दो एक्सप्रेस ट्रेन की आपस में टकराव के कारण बालेश्वर से आगे
कटक की रास्ते में महानगर करके स्थान पर यह घटना हुई है। अभी कुछ कैजुअलिटी का नंबर सामने आई है, कई लोगों की इंजरी भी आई है। अभी तो प्रायोरिटी है कि सारे लोगों को कैसे हम लोग उद्धार कर पाए, जिनको चिकित्सा की आवश्यकता है उनको वो चिकित्सा उपलब्ध करवाया जाए। यहाँ की स्थानीय सरकार, भारत सरकार की विभिन्न एजेंसी आर्मी तक उस काम पे लगे हैं। स्वयं रेल मंत्री हादसे के स्थान पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में मैं भी वहां पहुंचूंगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी वहां आ रहे हैं। सभी लोगों की प्रायोरिटी है कि वहां कैसे हम लोगों को सुरक्षित करें पहले, ये अभी प्राथमिकता बनी हुई है।